बाय एवरीवन और सबको इतनी बड़ी कामयाबी मिली इतना सब कुछ होने के बावजूद लीक होने के बावजूद इवन मिस स्पोकन को शायद नहीं सेट किया था फिल्म लीक नहीं होती तो 25-20% और यू नो बॉक्स ऑफिस पे नो आई रियली होप कि लीक नहीं होती बट हो गई एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट क्योंकि ऐसे किसी किस फिल्म के साथ नहीं होना चाहिए वो भी रिलीज से दो दिन पहले एंड मुझे भी लगता है कि अफेक्ट हुआ है बट आई थिंक अभी वी जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल कि इतना प्यार मिल रहा है और इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है एंड कि फिल्म रिलीज हो गई बस मेरे लिए उससे बड़ी बात नहीं है किस बिना पे चुनती है अपनी फिल्में जो इतनी कामयाब होती हैं यू नो वेदर इट्स हाईवे वेदर इट इज उड़ता पंजाब बहुत कम वक्त के लिए लेकिन अपनी प्रेजेंस महसूस कराती हैं थैंक यू सो मच फॉर दैट मैं अपने इंस्टिंक्ट के साथ जाती हूँ मुझे मज़ा करना है आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट फिल्म मुझे सारे टाइप के रोल करने हैं आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट लिमिट माई सेल्फ टू एनी वन काइंड सो आई थिंक टू ऑल्सो फॉर जस्ट द अपॉर्चुनिटीज आई हैव गॉटन विद माई फिल्म एंड ऑल्सो थैंक्स टू द फैंस एंड पीपल सपोर्ट